तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोबी के जो कि न्यू फीचर्स आया है जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और वायर को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जो भी आपके फाइल है उसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टूल। तो यहाँ पर आपको क्या कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर गलती से ये वाला सेलेक्ट रहा ना, आपको ये ऊपर ये जो इस साइड में आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे जिससे कि हम रिमूव कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर इस पे आ रहा है तो आपको यहाँ पे रिमूव टूल को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सी गलतियाँ होती है, बहुत से कमेंट आते हैं, मैंने देखा है कई लोगों के वीडियो पे जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारे तो ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको पहले रिमूव टूल को है जो कि इनेबल करना है और साथ में सैम्पल ऑल लेयर को ऑन करना है। तो ये दो सेटिंग करने के बाद ही आपको जो ये चीज़ अप्लाई करनी है। अभी यहाँ पे जो मुझे ये अनवांटेड जितने भी लोग हैं इन सबको मुझे रिमूव करना है, तो मैं सिंपल था इस पर क्लिक करूँगा फाइंड डिस्ट्रक्शन एंड पीपल, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं उनको रिमूव करना है, जो कि यहाँ पे लोग हैं पीपल, उनको इंग्लिश में पीपल बोलते हैं। सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है, फाइंडिंग पीपल होगा एंड आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें और है जो कि आपको रिमूव करना है, तो यहाँ पे इसका साइज भी बड़ा है, तो इससे साइज को क्या आपको पहले छोटा कर लेना है और उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी आपको रिमूव करना है। जैसे मैं कोई ये ब्लैक डार्क है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे देखो आपको राइट का क्लिक का निशान दिख रहा होगा, ऐसे राइट पे क्लिक कर देना है आपको, सिंपल था। एंड उसके बाद है जो रिमूविंग हो जाएगा और आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। कुछ इतना ये रिमूव हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ये जो जनरेटिव फिल का जो टाइम है ये आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देख सकते हो हमको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली है जो कि यहाँ पे रिमूव हो चुका है। बहुत ही प्यारी फोटो लग रही है। तो पहला तो हो गया हमारा ये, सेकंड में भी हमारा यही है, यहाँ पे हमारे पीपल थे और यहाँ पे हमारे वायर है। तो हमको सिंपल सा वही करना है, इस टूल को सेलेक्ट करना है, फाइंड डिस्ट्रक्शन पर जाना है एंड पीपल की जगह हमको वायर एंड केबल्स कर देना है। एंड उसके बाद ये जो है कि ऑटोमेटिक है सेलेक्ट कर लेगा एंड उसके बाद है जो कि सारे की चीज़ों को रिमूव कर देगा और आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन हो सकता है अगर आपके फोटो का रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो हम वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो कि वायर रिमूव हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ से हमारे लोग रिमूव हो चुके हैं, यहाँ से हमारे वायर रिमूव हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है जो कि हमको देखने को मिल रहा है। तो बस आज की वीडियो में बस मैं आपको यही दो शॉर्टकट बताने वाला था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके के अमेजिंग ट्यूटोरियल अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।